ओके हमारे सहयोगी आईएसओ के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष फकरुद्दीन जी सांसद प्रतिनिधि भी हैं उपस्थित, साथ में राजेंद्र जी, मितेश्वर पांडे जी। और आज जो इस कार्यक्रम लेते हैं, इतना बच्चों का को लेकर जो कार्यक्रम आज किए हैं, कार्यक्रम के मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले लक्ष्मण जी, दयाल जी, राजेंद्र पांडे जी और यहाँ उमा जी वार्ड मेंबर और प्यारे सभी बच्चे एवं बच्चियों, सभी को मेरी ओर से शुभकामना है कि इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ लक्ष्मण जी कर रहे हैं। और हम लोगों को देख कर बहुत ही काफ़ी खुशी हुआ कि राजीव दीक्षित जी के नाम से जो इस प्रतियोगिता को आयोजन किए हुए हैं। राजीव दीक्षित जी स्वदेशी आंदोलन को लेकर हमेशा मुखर रहे थे और उनकी लोकप्रियता इतना ज़्यादा बढ़ी कि लोग करोड़ों उनके फॉलोवर हैं। आप लोग आज राजीव दीक्षित जी के नाम से जो ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और हम लोग यहाँ आके देखें जिस तरह का आयोजन लक्ष्मण और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे चलकर ये चाहे कल्पना चावला ग्रुप के बच्ची हो या शिवाजी के हो या जो भी जितने भी प्रतिभागी भाग लिए हैं, इन लोग आगे चल के जरूर इन लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ने का काम करेंगे। और अभी से जो इन लोग का जड़ मजबूत किया जा रहा है, जो भी प्रतियोगिता आगे चल के तो प्रतियोगिता में बैठना ही है आप लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे इन लोग अपना मंजिल को इन लोगों का कदम मंजिल की तरफ बढ़ेगा और पूर्ण विश्वास है कि इन लोग मंजिल को प्राप्त करेंगे। और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए लक्ष्मण जी को मैं फिर से एक बार और उनके सारे सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए। आज सहरदवा बस्ती में इस कार्यक्रम में उपस्थित बोकारो जिला उपाध्यक्ष पार्टी सांसद प्रतिनिधि पांडे जी, सर जी, राजेंद्र जी, लक्ष्मण गोप जी, दयाल जी और उनके तमाम टीचर और छोटे छोटे बच्चे, आज बड़ी खुशी हुई कि आज हम लोग ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को जो प्रतियोगिता हो रही है और जैसे कंपटीशन जो आप लोग टीवी वगैरह में देखते होंगे, जो सवाल और जवाब दिया जाता है और प्रेसपट का या तो फिर ऑडियंस पोल का जैसे जो आपका जो इस्तेमाल किया जाता है, आज उसी हिसाब से आज यहाँ